केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों द्वारा 18 फरवरी को 4 घंटे रेल रोकने के ऐलान पर आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरह अलर्ट रही। आंदोलनकारी किसान रेलवे ट्रैक तक ना पहुंच पाए, इसको लेकर चिन्हित जगहों पर जीआरपी के जवान तैनात किए गए थे और स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फिलहाल गोरखपुर अनुभाग ने कहीं भी रेल रोकने की बात सामने नहीं आई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा, देखिए जो आह्वान हुआ था रेल रोकने का किसानों के द्वारा, इस संबंध में हमारी पूरी जीआरपी की टीम, इसके साथ ही आरपीएफ और जिला पुलिस की टीम, अधिकारी और जो भी कर्मी लगाए गए हैं, ये पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है ताकि कहीं किसी प्रकार का रेल रोकने का प्रयास ना हो सके। और कोशिश ये की गई, अगर कोई सांकेतिक रूप से आके ज्ञापन देता है तो सर्कुलेटिंग एरिया में ही उससे ज्ञापन ले लिया जाए, या जहाँ भी वो बैठता वहीं पर उसका ज्ञापन ले लिया जाए। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार स्टेशनों पर भ्रमणशील रह के सभी को मुस्तैद रहने के लिए बताया गया, चूँकि 12 से 4 का आह्वान है, तो किसी भी प्रकार की यात्रियों को या ट्रेन में जो भी सुगम यात्रा उनको हमें कराने का लक्ष्य है, तब उनको सभी को चलते रहें, कहीं कोई रेल रोकने का प्रयास न हो, इसके लिए ये सारे प्रबंध किए गए। अभी तक क्या सूचना है सर? अभी तक की जो सूचना है कि कई स्थानों पे जहाँ भी 2-4 लोग जो आ भी रहे थे वो लोग समझाने पे मान गए हैं, और उसके बाद कोई बात अभी आई नहीं है, और लगातार हम लोग इस पर निगाह रखे हुए हैं कि कहीं भी कोई बात आती है तो हमारे पास जो फोर्स है वो करेगी, और कहीं कोई और दिक्कत आती है तो रिजर्व फोर्स से हम भेज रहे हैं। अभी तक ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है? अभी तक जैसा कि आप खुद ही देख रहे होंगे, सभी जगह, ये यहाँ नहीं, संभाग में सभी स्थानों पर ट्रेनों का संचालन सुगम रूप से हो रहा है।